देखो बेटा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मींस प्योर सेमीकंडक्टर। और इस दी एग्जांपल आएगी सिलिकॉन सेमीकंडक्टर एंड जर्मेनियम सेमीकंडक्टर। तो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम दीज आर नोन एज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। देखो बेटा कि ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स जो सेमीकंडक्टर है एट 0 केल्विन टेम्परेचर और एट एब्सोल्यूट 0 इट बिहेव्स लाइक एन इंसुलेटर। क्योंकि जो सेमीकंडक्टर है एट 0 केल्विन टेम्परेचर उसका वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स है एंड कंडक्शन बैंड कंप्लीटली एम्प्टी है। बट सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर का बेसिक डिफरेंस ये है कि एनर्जी गैप, कि जिथे इंसुलेटर दे केस दे विच एनर्जी गैप 5 to 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उथे सेमीकंडक्टर दे विच एनर्जी गैप 1 to 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और बेसिकली अगर आपां इस गल नू, दिस इज कंडक्शन बैंड, दिस इज वैलेंस बैंड, और वैलेंस बैंड तां कंप्लीटली फिल्ड है और इट इज ईसी, लोएस्ट एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड हाईएस्ट एनर्जी ऑफ वैलेंस बैंड ईवी, और दोनों का जो डिफरेंस है दिस इज ईजी, ईसी माइनस ईवी। और ये जड़ी एट टेम्परेचर 0 केल्विन तो ये जो कंडक्शन बैंड है ये कंप्लीटली एम्प्टी। ऐसे करके जो सेमीकंडक्टर है इट इज लाइक एन इंसुलेटर एट 0 केल्विन। और ये जो डिफरेंस है बेटा ये सिलिकॉन दे लई, फॉर सिलिकॉन ईजी 1.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और फॉर जर्मेनियम ईजी 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना। नाउ जदों असी गल करते हैं बेटा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दी, तो एनर्जी गैप का सिग्निफिकेंस ये है कि एनर्जी गैप का मतलब है मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेंड द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। हुण ये गल तुसी याद रखनी है कि जदों असी ये बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस बैंड ओदा मतलब है बाउंड इलेक्ट्रॉन, जदों असी बोलते हैं इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड ओदा मतलब है फ्री इलेक्ट्रॉन। और बाउंड इलेक्ट्रॉन नू फ्री इलेक्ट्रॉन च कन्वर्ट करने दे लई जो मिनिमम एनर्जी चाहिए है दैट इज इक्वल टू एनर्जी गैप। और तुसी देख रहे हैं कि सेमीकंडक्टर दा एनर्जी गैप इंसुलेटर दे मुकाबले काफी घट होने करके इंसुलेटर दे विच फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट करना मुश्किल है जबकि सेमीकंडक्टर च आसान है। तो जदों बेटा जदों टेम्परेचर जो है इट बिकम्स अबव 0 केल्विन की हुंदा वा कि जिहड़ा वैलेंस बैंड है उहदे विचों, क्योंकि टेम्परेचर अबव 0 केल्विन दा मतलब है कि हुण सिस्टम दे कोल थर्मल एनर्जी अवेलेबल है ड्यू टू टेम्परेचर, और टेम्परेचर दे कारण जिहड़ी एनर्जी थर्मल एनर्जी है उहनूं अब्जॉर्ब करके कुछ इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड तों कंडक्शन बैंड जंप करके चल जाणगे। हुण जदों इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड तो कंडक्शन बैंड पहुंच गया बेटा तो इट बिकम्स फ्री इलेक्ट्रॉन, पर उहदे नाल नाल वैलेंस बैंड दे विच जिहड़ी वैकेंसी क्रिएट हो गई इलेक्ट्रॉन दी खाली जगह पैदा हो गई दैट इज नोन एज होल। तो हुण जिन्ना ज्यादा जिन्ना ज्यादा
टेम्परेचर होएगा उतनी ज्यादा थर्मल एनर्जी मोर अवेलेबल होएगी, और जितनी ज्यादा थर्मल एनर्जी अवेलेबल होएगी उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड तो जम करके कंडक्शन बैंड पहुंचेंगे और उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स क्रिएट होंगे। तो कहने का मतलब यह है कि जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड तो कंडक्शन बैंड जाएगा तो उसके कोरिस्पोंडिंग एक होल पैदा होएगा वैलेंस बैंड, और इलेक्ट्रॉन जो तो कंडक्शन बैंड पहुंच गया वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। तो सी वर्ड यूज करांगे इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो गया। तो हुन बेटा ये जेडे इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड एंड होल्स इन वैलेंस बैंड, तो ए सी इन नु होल्स कहने हैं ना। होल्स बेसिकली की है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस बैंड, और होल नु असी अगर एज ए पार्टिकल ट्रीट करते हैं तो चार्ज ऑन होल की है बेटा, चार्ज ऑन होल प्लस सी, एंड जो मास ऑफ होल है एम एच उन्हों असी मच ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मानते हैं। तो जो होल का मास है दैट इज मच ग्रेटर देन दैट ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। हुन बेटा जो होल है ये ते पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन ते नेगेटिव चार्ज है ना, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स। नाउ हुन जदों तुसी ये बारे सारी स्टडी करते हैं है ना आप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बारे, तो थानू पता लग गया कि एट जीरो केल्विन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है वो जस्ट लाइक एन इंसुलेटर है, बट एट टेम्परेचर अबव जीरो केल्विन उदे कोल फ्री चार्जेस दी अवेलेबिलिटी होने करके वो कंडक्टर च कन्वर्ट हो गया, बट उदी जो कंडक्टिविटी है क्योंकि वो कंडक्टर तो काफी घट है इस करके उन्हों सेमीकंडक्टर बोलते हैं। और एक गल बड़ी क्लियर है कि जिहड़ा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एट टेम्परेचर ग्रेटर दैन जीरो केल्विन है तो उदे अंदर दो तरह के चार्ज कैरियर है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड एंड होल्स इन वैलेंस बैंड। हुन बेटा ये जो फाड़े सामने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है इसनु असी कोवलेंट बॉन्डिंग दी टर्म च भी समझ सकते हैं इहदी वर्किंग। तो किस तरह बेटा देखो कि जिहड़ा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है ना, कोई भी सेमीकंडक्टर है वो बेसिकली उहदे अंदर कोवलेंट बॉन्डिंग है क्योंकि ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स है ना, तो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस जो है उहदे अंदर डायरेक्शनल बॉन्ड्स दैट इज कोवलेंट बॉन्ड्स एग्जिस्ट करते हैं। हुण बेटा चाहे सिलीकोन है चाहे जर्मेनियम है सेमीकंडक्टर, दोनों दे कोल सिलीकोन कोल भी और जर्मेनियम दोनों दे कोल जो है आउटर मोस्ट शेल च फोर इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर फॉर सिलिकॉन 14 है एंड एटॉमिक नंबर फॉर जर्मेनियम 32 है। तो दोनों दे कोल आउटर मोस्ट शेल च फोर इलेक्ट्रॉन्स है। तो अगर आप सिलिकॉन की एग्जाम्पल ले लिए तो जेडे उदे इनर इलेक्ट्रॉन्स है 10 इलेक्ट्रॉन्स 10 प्लस 4 तो वो तो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन है, उन्होंने नहीं आप शो कर रहे। तो सिलिकॉन दे आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नो हाईलाइट कर रहे हैं ना, तो एट जीरो केल्विन बेटा ये जिहड़े बॉन्ड्स है कोवलेंट बॉन्ड्स एक कादे बने हुए हैं शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स करके बिटवीन द कोरिस्पोंडिंग एडजेसेंट एटम्स करके ना ये सारे बॉन्ड्स बने हैं।
तो एट जीरो केल्विन तुसी देख रहे हैं बेटा कि क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है दे और इलेक्ट्रॉन्स आर टेकिंग पार्ट इन बॉन्डिंग, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, तो जिस करके ये इंसुलेटर है। बट व्हेन टेम्परेचर बिकम्स ग्रेटर देन जीरो केल्विन, है ना, तो जो टेम्परेचर जीरो केल्विन तो ऊपर होएगा, तो थर्मल एनर्जी नो एक्वायर करके कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस बॉन्ड दे विचों निकल के इथे आ जाएंगे। हुन मान लो आ इलेक्ट्रॉन इथे शिफ्ट हो गया, इट बिकम्स फ्री, और बैंड डायग्राम च असी कहांगे कि ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड तो जिड़े इलेक्ट्रॉन्स कोवलेंट बॉन्डिंग च हिस्सा ले रहे हैं उन्हां दा जिड़ी एनर्जी है वैलेंस बैंड दे विच लाई कर रही है। और जदों असी कहांगे कि इलेक्ट्रॉन बॉन्ड चो बाहर आ गया एट टेम्परेचर ग्रेटर दैन जीरो केल्विन, इट मीनस वो कंडक्शन बैंड च पहुंच गया, मीनस फ्री हो गया। हुन ओहदे कोरेस्पोंडिंग उदी बॉन्ड दे विच जगह खाली होगी बेटा, होल होल बन गया। तो ये जड़ा होल है बेटा और ये इलेक्ट्रॉन है, तो इथे आपा वर्ड यूज करांगे कि ब्रेकेज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। तो जड़ा सेमीकंडक्टर केस है कि एट जीरो केल्विन जिन्ने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो सारे बॉन्डिंग च हिस्सा ले रहे हैं, बट जिद्दां ही टेम्परेचर अबव जीरो केल्विन होएगा थर्मल एनर्जी दी अवेलेबिलिटी करके कुछ बॉन्ड्स ब्रेक करेंगे। बॉन्ड्स ब्रेक करने का मतलब है कि बॉन्ड चो एक इलेक्ट्रॉन बाहर आके फ्री हो जाएगा और उस दी जगह ते बॉन्ड दे अंदर एक डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो गई, उस साइट नु असी होल बोलांगे। तो जदों बेटा हुन इहदा मतलब है कि जिद्दां टेम्परेचर राइज करेगा ज्यादा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड तो कंडक्शन बैंड जाएंगे, तो उहदा मतलब है ज्यादा तो ज्यादा बॉन्ड्स ब्रेक करेंगे। और जदों आपां कहांगे कि बॉन्ड्स ब्रेक करेंगे या इलेक्ट्रॉन्स जंप करके वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड पहुंचेंगे, तो उसका मतलब है इलेक्ट्रॉन होल पेयर विल बी जनरेटेड। और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट करेंगे उतनी ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स ते होल्स की कंसंट्रेशन होएगी, और जितनी ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स ते होल्स की कंसंट्रेशन होएगी उतनी ज्यादा सेमीकंडक्टर दी कंडक्टिविटी एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, तो ये याद रख लेना कि विद द राइज इन टेम्परेचर सेमीकंडक्टर दी कंडक्टिविटी इंक्रीज कर दी है ड्यू टू द जनरेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर्स। और इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेटेड का मतलब है ड्यू टू द ब्रेकेज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स विद द राइज इन टेम्परेचर। है ना, मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स विल बी जनरेटेड ड्यू टू द ब्रेकेज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स। तो हुन एक गल तुसी नोट की कर रहे हैं बेटा कि इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन नो आपां एन ई नाल रिप्रेजेंट करांगे एंड होल कंसंट्रेशन नो आपां एन एच नाल, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ते होल्स दा होल कंसंट्रेशन दा मतलब है नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम एन एच। एंड इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एन ई एंड एन एच हमेशा बराबर होएगा, तो इस करके उन्हें एन आई लिख देने हैं ना। तो एन आई मीन्स इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर दे अंदर जो इलेक्ट्रॉन ते फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स दी कंसंट्रेशन बराबर होन करके इन्हें नंबर डेंसिटी भी बोल देने हैं। एन ई मतलब नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड एन एच मीन्स नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स। और इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर च तुसी देख रहे हैं कि जिन्हें इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड च होंगे उन्हें ही होल्स वैलेंस बैंड च होंगे। ठीक है ना, तो इस कारण करके इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स दोनों की कंसंट्रेशन या नंबर डेंसिटी हमेशा बराबर होएगी। तो ए है रिगार्डिंग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। हुन बेटा कि ये जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है तो विद द राइज इन टेम्परेचर इस दी कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है, इट मीन्स विद द फॉल इन टेम्परेचर ये दी कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगी।
ठीक है ना, क्योंकि जिद्दां टेम्परेचर घटेगा ठीक है, तो उदे नाल की होएगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स नीचे तो ऊपर जा रहे सी उन्हों का नंबर घट जाएगा। हुण होंदा की है बेटा सिस्टम च कि एट ए गिवन टेम्परेचर, एट ए गिवन टेम्परेचर अबव 0 केल्विन तो जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर कंसंट्रेशन है वो फिक्स्ड है, फिक्स्ड है। पर उदे इनू डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं, फिक्स्ड इन द सेंस कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स नाल दी नाल थल्ले भी आएंगे। जदों इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड तो वैलेंस बैंड पहुंचेगा तो वो इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकंबाइन हो जाएगा ना, पर उदे नाल नाल इलेक्ट्रॉन जंप करके वैलेंस बैंड तो कंडक्शन बैंड भी पहुंच जाएंगे। तो ओवरऑल कंसंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड कंसंट्रेशन ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड वो कांस्टेंट रहेगी। तो ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। तो विद द राइज इन टेम्परेचर जो बॉन्ड्स दे टूटन दी कंसंट्रेशन है ना, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट करन दी जो रेट है वो वधेगा और रिकम्बाइन होने का रेट घटता वा, तो जिस कारण करके नेट नंबर ऑफ डेंसिटी या नंबर कंसंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स वधेगी विद द राइज इन टेम्परेचर। तो कंडक्टिविटी भी सेमी कंडक्टर दी इंक्रीज करेगी। बट जदों टेम्परेचर फॉल करता वा तां रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स इंक्रीज करेगा, जबकि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स घटेगा। तो जिस करके नेट रिकॉम्बिनेशन दे वधन करके फ्री इलेक्ट्रॉन्स ते होल्स दी कंसंट्रेशन घटेगी, तो कंडक्टिविटी भी डिक्रीज करेगी विद द फॉल इन टेम्परेचर। हुण बेटा इथों आपां ये देख रहे हां कि किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर दी जिहड़ी कंडक्टिविटी है तो अगर उस कली टेम्परेचर डिपेंडेंट रखते हैं असी तां उहदे नाल की होएगा कि उहदी जिहड़ी कंडक्टिविटी है हायर टेम्परेचर ते हाई होएगी, लोअर टेम्परेचर ते लो होएगी। तो जिस कारण करके की प्रॉब्लम की खड़ी हो जाएगी साडे लई, तो प्रॉब्लम ये खड़ी हो जाएगी कि वो जड़ा सबस्टांस है, हुण अगर आप उहदे नाल कोई डिवाइस तैयार करते हैं तो गर्मियां नू सर्दियां नू उहदी परफॉर्मेंस च फर्क हो जाएगा टेम्परेचर वेरिएशन करके, है ना। दिन वेले रात वेले वेरिएशन नाल फर्क होएगा, फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, है ना, वो भी फर्क आ जाएगा क्योंकि टेम्परेचर वेरिएशन है। तो इस करके जो प्योर सेमीकंडक्टर्स है जिन्हों असी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं तो उन्हां तो असी डायरेक्टली डिवाइस तैयार नहीं करते। तो उदे लिए फिर की किया जाता बेटा, तो उदे लिए असी की करते हैं कि इन्हां इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दे विच कुछ डिजायरेबल इंप्योरिटीज नू ऐड करके गिवन टेम्परेचर पे ही इन्हां दी कंडक्टिविटी नू इनक्रीज कर सकते हैं। तो हुण उस मेथड नू असी डोपिंग बोलते हैं, और जिहड़े वो डिजायरेबल इंप्योरिटीज नू असी ऐड करते हैं उन्हां नू असी कहने हैं डोपेंट्स। और डोपिंग तो बाद जिहड़ा सेमीकंडक्टर है वो प्योर नहीं रह जाता, उहदे च इंप्योरिटीज ऐड हो गई हैं, तां फिर उन्हूं असी बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और डोप्ड सेमीकंडक्टर। तो हुण उस सेमीकंडक्टर बारे आपां नेक्स्ट लेक्चर दे विच डिस्कस करांगे कि व्हाट इज